ओके सुजिता, इतना सुंदर पसनौना निकल कर आता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। मैं गुस्सा करूंगी इस बात पे बिग बॉस पर। आर यू ओके विद दिस? एक्चुअली किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, होनी को हम नहीं डाल सकते हैं, पर मुझे बस इतना ही है कि मतलब 3-4 हफ्ते की और बात थी और मतलब वो फिनिशिंग लाइन कहीं दूर दिख रहा था, पर फिर मैं निकल गई। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। इंसान का मन ऐसा ही होता है कि जितना आपको मिले और चाहते हैं और चाहते हैं, और ये गेम शो है, ये एक रियलिटी शो है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माइंड है, तो डेफिनेटली मैं फिनाले तक मतलब फाइनल लाइन को टच करना चाहती थी। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे सेकेंड चांस मिला। आई एम लकी क्योंकि आउट ऑफ 16 पीपल आई गॉट दैट चांस। बस, और तो हाँ, थोड़ा सा दुख है बट खुशी भी है। क्या लगता है बिग बॉस के घर में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है? अच्छे अच्छे अपना एक जो होता ना, अपना लेवल छोड़ के टूट जाते हैं, आपका ऐसा नहीं लगा मुझे? क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली जब मैं ग्रुप सी लॉस्ट में जब मुझे डाला गया था, आपको लास्ट हफ्ते शायद मैं थोड़ी सी डाउन डल दिखी होगी, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटक गई थी, और आपको ना एक फीलिंग टाइप की आ जाती है ना, तो मुझे एकदम से नॉमिनेशंस में और मेरे साथ जो लोग हैं उनका नाम देख के मुझे फीलिंग आई कि कहीं मैं तो नहीं, और उस वजह से शायद लास्ट के 3-4 दिन थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल था। बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन, क्योंकि हर किसी कंटेस्टेंट को जब मैं पूछ रही थी तो हर किसी के साथ ये हुआ है, बिकॉज देयर शुड बी अ ग्राफ, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, देयर शुड बी डाउनफॉल्स, अप डाउन। तो कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस हुआ। इट्स नॉट अ ईजी हाउस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको अपनों की याद आती है, बहुत चीज़ों की याद आती है, हर कोई आपके सामने कुछ पीछे कुछ, हर कोई आपके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई थिंक एवरी वन इज फेक इनसाइड द हाउस। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड जेन्युइन हार्टेड पीपल, और शायद इसलिए भी क्योंकि सब ना शील्ड क्रिएट करके रखना चाहते हैं अपने आसपास, कि जो बंदा मुझे बाहर मिलेगा तो बहुत जेन्युइन लगेगा, वो बंदा भी एक शील्ड की वजह से कि उसको भी लग रहा है बाकी लोग भी तो फेक है मेरे साथ, तो मैं क्यों अपना जेन्युइन दिखाऊं। तो ये ना एक वेव की तरह वो सोच पूरे घर में फ्लो करता रहता है, कि ये सोचे नहीं ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन हूँ, ये सोचे ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन हूँ, ये सोचे ये इसके साथ ये, तो इट्स लाइक एनर्जी वेव विच पीपल create around them to protect themselves from getting emotionally hurt. Baki journey is beautiful. Ye ghar aapko bahut cheeze sikha deti hai, decision making, dusre insaan ko janna, parakhna, pehchanna, choti choti situations mein, circumstances mein aap kaise react karoge, bahut cheeze sikhati hai. But it's on the other hand also quite difficult and you feel lonely like anything sometimes. ओके, मुझे जो बहुत अच्छे से याद आता है वो है टीना का आपको प्यार करना, आपके एक्सप्रेशंस, टीना की मदर का आपको प्यार करना, आपके एक्सप्रेशंस बहुत सुंदर आए थे, यू वर लाइक आपकी आंखें, मुझे ऐसा लगा कि शायद भीग गई, मुझे नहीं मालूम इफ इट वाज करेक्ट और नॉट। या आई स्टार्टेड क्राइंग, सलमान सर ने भी कल मुझे पूछा कि पर तुम क्यों रोने लगे, मैंने बोला एकदम से ममता फील हुई क्योंकि आंटी और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, भले टीना के साथ मेरी लास्ट 3 साल से बात नहीं हो रही थी बिग बॉस में जाने से पहले, या 2.5 साल से आई थिंक बात नहीं हुई बिग बॉस, पर मम्मी और आंटी की रिलेशन अच्छा रहा। मेरी मम्मी टीना से बहुत प्यार करती है, आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो मुझे जेन्युइनली लगा क्योंकि हमारे हाइट डिफरेंस है, हमारे बालों के लेंथ का डिफरेंस है, और हम पीछे से भी काफ़ी डिफरेंट दिखते क्योंकि माई नेक इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो मुझे जेन्युइनली लगा कि आंटी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, 10 साल से जानती है, सुजिता समझ के हक किया। और मैं आंटी के साथ ना, आंटी में कहीं ना कहीं मैं मेरी मम्मी को भी देखती हूँ, क्योंकि वो दोनों बंगाली है, बड़ी बिंदी लगाती है, थोड़ी सी चबी है, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, सो आई फील माई मम इन साइड आंटी। तो उन्होंने जैसे मुझे हक किया, मुझे वो ममता वाली फीलिंग आई और मुझे रोना आया, पर बाद में मेरे पोपट हो गया क्योंकि मुझे पता चला आंटी टीना समझ के मुझे हक कर रही थी और काफ़ी कोल्ड वाइब्स आया, विच आई कैन अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली।
लेकिन अर्चना ने तो जो टांग खिंचाई की है, जो टांग खिंचाई की है, मुझे लगता है आंटी की टांग खिंचाई की है कि आपकी बेटी को आप कैसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि मैं और साजिद जी लड़ रहे थे अर्चना से कि अर्चना चुप रहे यार, बकवास मत कर, कभी हो सकता है कि मतलब वो मुझे टीना समझ ले। साजिद जी भी कह रहे थे अर्चना के नो ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, सृजिता समझ के हग कर रही है आंटी, और वो चुप ना रहे क्योंकि वो तो बहुत श्योर थे एक्सप्रेशंस देख के, तो अर्चना से ही प्रूव हो गई। जैसे कि मैंने बोला लॉस्ट कैटेगरी में मैं होने के बाद थोड़ी सी मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ सही हो सकता है, तो वो 3 दिन के बाद ही माइकल आ गया और जो मेरा पूरा वो यू नो लाइक कन्फ्यूजन था वो एकदम से क्लियर हो गया, और मुझे लगा कि बिग बॉस की पूरी जर्नी मैं माइकल के साथ 1 दिन के अंदर जीत चुकी थी। तो अभी सर्टनली आप जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगी माइकल के साथ, जब भी आपका शादी का मूड होता है, जुलाई 1st आप सब इनवाइटेड हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ कैसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं शायद वहाँ काम आ जाए आपको। मुझे लगता है कि मैं ना ज़्यादा कंटेंट फील कर रही हूँ लाइफ में, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मैं पहले भी कॉन्फिडेंट लड़की थी बट अभी मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और मुझे गुस्सा कम आ रहा है, पता नहीं कैसे, इतना आता था घर के अंदर पर मुझे गुस्सा कम आ रहा है, तो वो शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी में बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली माइकल के लिए कि चलो ये लड़ेगी बहुत ज़्यादा नहीं, पर देखते हैं ये कितने समय तक रहता है। तो एक बार बताए किस किस को बुला रहे हैं और किसको बिल्कुल नहीं बुलाने वाले हैं आप शादी में? प्रियंका तो ऑलरेडी इनवाइटेड है, वो आ रही है किसी के साथ, तो प्रियंका है इनवाइटेड, साजिद जी को मैंने इनवाइट किया है पर शायद उनकी फिल्म की शूटिंग है उस टाइम पे स्कॉटलैंड में, तो उन्होंने फिर भी बोला मैं कोशिश करूँगा, और मैं शिव को बुलाना चाहती हूँ पर शिव कह रहा है शायद डिफिकल्ट होगा आना, बाकी अगर फ्री है तो आ जाएगा तो गाना गा के, छोटा भाईजान गाना गा के और महफिल जमा देगा, बाकी शादी मतलब मेरी शादी वैसे भी बहुत क्लोज अफेयर है, इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली अफेयर, नॉट मोर देन 100-150 पीपल, क्योंकि इंडिया में भी हम इंडियन तरीके से करेंगे वापस से, अच्छा तो उसमें शायद सब लोग बहुत लोग इनवाइटेड होंगे, पर जर्मन वाली वेडिंग में फिलहाल प्रियंका, साजिद जी और शिव इनवाइटेड। सो माइकल ने क्या रिएक्ट किया था जब आपने ऐसा बोला? डिड ही, उसने सर्च किया था बिग बॉस कैसा होता है इंडिया में, बिग बॉस कैसा होता है जर्मन? वो एक्चुअली बिग ब्रदर देखता, मतलब कई सीजन देखे हैं, और जर्मन बिग ब्रदर भी जो आता है मतलब जर्मनी में जो टेलीकास्ट होता है वो भी देखा है, वो तो एक एक साल चलता है जो उन्होंने मुझे बताया, बाप रे का नहीं 1 ईयर। तो फिर मैंने उसको अपना एपिसोड्स दिखाया बिग बॉस का और मैंने बोला इतना भी कठिन नहीं है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, बिग बॉस इज क्वाइट जेनरस, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस थे बिग बॉस हमारे प्रति, तो आई थिंक ही क्वाइट लाइक्स द शो, भाषा ना समझने के बावजूद भी उसने पूरा सीजन देख लिया मेरे साथ, और मैं जब नहीं थी तो अकेला देखता था और फिर ट्रांसलेटर में जाके कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करके भी समझता था। How sweet. Yes, और साथ में देखा है कि अर्चना को काफ़ी पसंद आ रहे थे आपके फियांसे से, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया देख के, और मैं बोल रही थी तो शर्मा क्यों रही है, मतलब जो लड़की सब मतलब किसी से ना शर्मा है, ऐसे दुपट्टा ले लेके शर्मा रही थी, बोला क्या हो गया तू क्यों शर्मा रही है, तो उसका ना कुछ थोड़ा सा अलग सा ही रूप उस दिन देखने के लिए मिला, बट मतलब इतना फनी था उनका कॉन्वर्सेशन, इतना फनी था, और जिस तरीके से एक दूसरे को वो लोग समझने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है और माइकल की इंग्लिश वो ना समझे, फिर पूछ रही है दूसरे सृजिता मोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो पीकॉक ना, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, उससे बोला पिजन ना, मैंने बोला हाँ पिजन, नहीं 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 पीकॉक, तो मतलब हर चीज़ ऐसे पूछ रही थी, सृजिता डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, किस चीज़ से तू डिसअपॉइंट हो गई मेरे से, इट वॉज अ वेरी क्यूट कॉन्वर्सेशन। सो Does she have, I mean, crush वश हो गया ऐसा कुछ आपको? क्रश नहीं हुआ पर उसने मुझे बोला मेरा ना फैंटेसी था कहाँ किसी फॉरेनर के साथ थोड़ा सा खोपचे में बैठ के बात करूँ, तो
बेचारी बहुत खुश। अरे बाप रे, माइकल के ऊपर परेशान तो नहीं हो गए वो? नहीं, मैंने उसको पूछा, माइकल कह रहे हैं एक्चुअली मैंने भी एंजॉय किया, मुझे नहीं समझ पता था कि मैं इतना एंजॉय करूंगी अर्चना के साथ कॉन्वर्सेशन। और अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि बिग बॉस की वजह से लोगों के पास आपका मैसेज पहुंच जाता है, आपका नाम पहुंच जाता है, आपका नेचर पहुंचता है, आगे की क्या प्लानिंग होगी? आगे की प्लानिंग यही है कि फिलहाल तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ हफ्ते, बट जो भी बेस्ट काम आएगा आई वांट टू पिक इट अप। आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो अगेन, क्योंकि रियलिटी शो की मजा ही कुछ और है। And whatever good comes up, I want to pick that up. Okay, thank you. Thank you.